मैं प्रतीक रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इमेंटोर। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एजुकेशनल कोर्सेज की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको सही करियर चुनने में आसानी हो। तो आज हम देखने वाले हैं सीए के बारे में, हाउ टू बिकम अ सीए। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे जरूरी बात, सीए क्या होता है और सीए का काम क्या होता है ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे सीए किस इंस्टीट्यूशन के अंडर आती है और सीए में जो लेवल्स है जैसे कि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सीए के जो रूट्स है, जो फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट रूट, उसके बारे में। सीए करने के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या क्या है और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। सीए के दौरान कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज करना जरूरी है, उनके बारे में हम जानेंगे। इंटरमीडिएट लेवल पे 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, उनके बारे में मैं बताऊंगा। सीए कंप्लीट करने के लिए कितनी फीस रिक्वायर्ड है, यानी कि कितने पैसे लग सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सीए रिलेटेड और भी कई कोर्सेस हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे अहम बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज की, जो पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे लास्ट में हम देखेंगे जो इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल सीएस हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं सीए क्या होता है। सीए को जानने के लिए हमें अकाउंटिंग जानना जरूरी है। अकाउंटिंग क्या होती है, तो इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें कंपनी के परचेस, सेल्स या कंपनी के एम्प्लॉय को दी हुई सैलरी, ऐसे सभी खर्चे और कंपनी को मिले हुए पेमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं और इसके बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिसके जरिए कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये पता चलता है। इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि कितनी एसेट उनके पास है और कितनी उनको देनी है। इन सब चीज़ों को अकाउंटिंग कहा जाता है और इन सब चीज़ों को जो करता है उसे कहा जाता है अकाउंटेंट। अकाउंटिंग के बेसिस पर होती है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को एनालिसिस किया जाता है और प्रॉफिट या लॉस के रीज़न क्या है ये बताया जाता है। इसके बाद होती है ऑडिटिंग। इसमें जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं उन सभी को अच्छे से चेक किया जाता है। ये चेक करने का पर्पस ये होता है कि इनमें कुछ फ्रॉड तो नहीं है ये फाइंड आउट करना। अकाउंटिंग के बेसिस पर टैक्सेशन होता है। अकाउंटिंग और टैक्स के बेसिस पर फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है। तो ये सभी काम जो भी करता है उसे हम कहते हैं सीए। ये भी कह सकते हैं कि सीए एक अकाउंटिंग फील्ड के स्पेशलाइज पर्सन होते हैं। तो इन सब से आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये एक कॉमर्स रिलेटेड फील्ड है। सीए सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, तो ये एक इंटरनेशनली नोन डेजिग्नेशन है। अब जानते हैं सीए का काम क्या है। तो सबसे पहले आएगा फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो हमने अभी देखा। उसी रिकॉर्ड को चेक करना यानी कि ऑडिट करना, टैक्सेशन करना जैसे कि टैक्स रिटर्न भरना, उसके रिलेटेड एडवाइस देना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसा हो इसके बारे में सोचा जाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना हो या रॉ मटेरियल कैसे कम प्राइस में मिल सकता है या प्रोडक्ट कैसे ज़्यादा प्राइस में बेचा जा सकता है, ये सब चीज़ें इसमें आती है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना और इसके बारे में एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करना, ऐसे कई काम सीए द्वारा किए जाते हैं। सीए एक डिग्री कोर्स है, लेकिन ये रेगुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं होती। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसकी तैयारी आप प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में या सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कोर्सेज के बारे में। तो इसमें 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। एक एक करके हम सभी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखते हैं फाउंडेशन के बारे में। इसे CPT यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कहा जाता है। एग्ज़ाम साल में 2 बार ली जाती है, जो कि मई और नवंबर में होती है। तीनों भी लेवल की एग्ज़ाम इसी 2 मंथ में होती है। आपकी प्रिपरेशन अनुसार आप जब चाहे इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो आपको ए एग्ज़ाम के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 12th अपीयर भी हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो 12th अपीयरिंग है वो करंट ईयर में होना ज़रूरी है। पासिंग क्राइटेरिया, आपको हर सब्जेक्ट में 40% मार्क लगना ज़रूरी है और आपका जो एग्रीगेट है वो 50% होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेपर 100 मार्क का है तो वो पेपर पास होने के लिए आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है।
साथ ही में अगर ऐसे ही 100 मार्क्स के उस लेवल में चार पेपर होते हैं तो टोटल आपको 50% मार्क यानी कि 200 आउट ऑफ 400 लाना ज़रूरी है। सब्जेक्ट के बारे में देखा जाए तो इस लेवल में टोटल चार पेपर हैं। चलते हैं सेकंड लेवल पे यानी कि इंटरमीडिएट पे। इस लेवल को IPCC भी कहा जाता है और एग्ज़ाम मई और नवंबर में होती है। IPCC लेवल में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। ग्रुप वन में चार सब्जेक्ट और ग्रुप टू में चार सब्जेक्ट होते हैं। ये दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम आप एक साथ भी दे सकते हैं या एक एक करके भी दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम को एलिजिबल होने के लिए आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर करनी होगी। अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपको CA करना है तो आप डायरेक्टली IPCC को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको एक CA के अंडर 9th मंथ की आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी होगी। पासिंग क्राइटेरिया सेम ही है, सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स और एग्रीगेट 50%। जैसे ही आप ग्रुप वन क्लियर कर जाते हैं आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं। आर्टिकलशिप मतलब आपको एक CA के अंडर 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फेज कम्प्लीट करना है। इसी दौरान आप अपना सेकंड ग्रुप भी दे सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने आफ्टर ग्रेजुएशन IPCC एग्ज़ाम दी है उनको 9 मंथ का एग्जम्पशन मिलता है और इस आर्टिकलशिप के दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले दो सर्टिफिकेट कोर्सेज करना ज़रूरी है। पहला है ICITSS, ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ओरिएंटेशन कोर्स का कॉम्बिनेशन है। दूसरा है OC, इन कोर्स में कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, ग्रूमिंग ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी। दोनों कोर्स का ड्यूरेशन 15-15 दिन का है। आखिरी लेवल यानी कि फाइनल। IPCC के दोनों ग्रुप पास होने के बाद और आर्टिकलशिप के लास्ट 6 मंथ में आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस लेवल में भी IPCC के द्वारा दो ग्रुप होते हैं, आप दोनों ग्रुप की एग्ज़ाम एक साथ में दे सकते हैं या एक एक करके भी दे सकते हैं। दोनों ग्रुप में चार चार पेपर रहेंगे। पासिंग क्राइटेरिया आपका सेम ही होगा। इस लेवल में दो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी रहेंगे। पहला है ICITSS, ये एडवांस होगा, इसमें MS Access, MS Excel, टैली ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी। दूसरा है MCS, ये एक ओरिएंटेशन कोर्स का एक्सटेंशन है। ये दोनों कोर्स की ड्यूरेशन 15-15 दिन की है। ये तो हो गई कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, अब बात करते हैं फीस के बारे में। तीनों लेवल की रजिस्ट्रेशन फीस, फॉर्म फीस, स्टूडेंट एक्टिविटी फीस और जो चार सर्टिफिकेट कोर्सेस है उन सब की फीस मिला के लगभग 80,000 से 1,00,000 तक खर्चा आ सकता है। अगर आप प्राइवेट कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो तो तीनों लेवल की क्लासेस की फीस लगभग 2,00,000 से 2,50,000 तक जाएगी। CA रिलेटेड कई सारे कोर्सेज भी है जो बहुत सारे लोग करते हैं, उनमें से ये सबसे ज़्यादा किए जाने वाले कोर्सेस हैं। अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। एजुकेशन के बाद फ्यूचर क्या होगा, तो सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। बैंकिंग सेक्टर में कई सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाइड CA की ज़रूरत होती है, जैसे कि क्रेडिट मैनेजर, फॉरेक्स मैनेजर एक्सेट्रा। जितने भी नवरत्न कंपनीज है या पब्लिक सेक्टर कंपनीज है इनमें भी CA की रिक्रूटमेंट होती है। इसी तरह SEBI यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये ऑर्गेनाइजेशन भी CA के हर साल रिक्रूटमेंट करती है। आइए अब देखते हैं CA के लिए प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ है उनके अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के लिए CA की ज़रूरत होती है और ये कंपनीज़ अच्छी खासी पेमेंट भी देती है। CA फर्म, जितनी भी बड़ी CA फर्म्स है उनके पास काम ज़्यादा होने के कारण वो भी CA की रिक्रूटमेंट करते हैं। फाइनेंशियल सर्विस, इसमें प्राइवेट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, स्टॉक ब्रोकरेज, इसी तरह की कंपनी में आप एज ए CA काम कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने में दिलचस्पी है तो आप कॉमर्स कॉलेजेस या कोचिंग क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज ये है कि आप अपनी CA फर्म शुरू कर सकते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र आप काम कर सकते हैं, इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में भी इंटरेस्ट है तो आप खुद का कोचिंग क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं। अब हम इंडिया के कुछ जाने माने और सक्सेसफुल CAs के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पीयूष गोयल, ये एक पॉलिटिशियन है और इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर और रेल मिनिस्टर भी है। नैना किडवाई, ये एक बहुत बड़ी फेमस बैंकर है और HSBC इंडिया की हेड भी रह चुकी है। सुरेश प्रभु,
ये भी एक पॉलिटिशियन है और कॉमर्स मिनिस्टर एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर भी है। कुमार मंगलम बिरला ये जाने माने बिजनेसमैन हैं और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। राकेश झुंझुनवाला ये एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर एंड ट्रेडर हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।